ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो तासीर ने तज़किरा किया कि उसने 22 बार लिखी। वैसे तासीर हैज़ द रिकॉर्ड फॉर द स्टैमिना, वरना नॉर्मली 4-6 रिविजन्स के बाद स्टूडेंट्स रोने लगते थे कि सर हमें जाने दें। फिर मैं कहता चला, उन्होंने रोने का जिक्र ही नहीं किया। इसने रोना कभी रोई नहीं इसने। हालांकि मैं सोचता था कि मुझे दिल ख़राब होता था क्योंकि इसका ये सारा कचरा है, इसको फेंको फिर से लिख के ला। मगर शी वुड पुट अप विद इट पेशेंटली। इसने कभी रोया नहीं और हमेशा कहा कि ठीक है सर मैं करके ला दूँगी। दैट वॉज क्वाइट रिमार्कबल। तो ठीक है, हम लोग आज की टॉक शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने तज़किरा किया कि ये टॉक नहीं है, ये कॉल फॉर रेवोल्यूशन है। अच्छा ओके। सो सबसे पहले तो एक बहुत तल्ख हकीकत है जिसका हम एतराफ़ करें पहले, तो फिर आगे का रास्ता आसान होगा। हमारी जो एजुकेशनल रिजल्ट्स हैं बहुत ही ख़राब हैं, हद दर्जे ख़राब हैं। जो हम स्टूडेंट्स को देते हैं, जो हम स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, ये काबिले तस्करा नहीं। हम अपने स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के बहुत सारे साल ज़ाया करते हैं, उनको कुछ भी नहीं पढ़ाते। तो क्या हम इन हालात को बदल सकते हैं? क्या हम लोग इससे बहुत बेहतर तालीम अपनी मौजूदा हालात से? स्टूडेंट्स के पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, हमारे पास टीचर्स अच्छे नहीं हैं जो कि अपने सब्जेक्ट के उस्ताद में से हों, वर्ल्ड लेवल के टीचर्स नहीं हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, लाइब्रेरीज नहीं हैं, बहुत सारे मसले। तो इसका मैं जवाब दूँ कि हाँ, हम लोग कर सकते हैं। सब सारी अपनी इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ, रिस्ट्रिक्शंस के साथ, लिमिटेशंस के साथ, फिर भी हम लोग तालीम में रेवोल्यूशन ला सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को बहुत बेहतर तालीम फराहम कर सकते हैं। तो ये कैसे हम लोग कर सकते हैं? ज़ाहिर बात है हर मुअल्लिम को, हर उस्ताद को इसका ये जो मौजूदा तरीक़े हैं इसमें हल्का पुल्का प्लस माइनस करने से कुछ भी नहीं हो सकता। हम क्लासेस बढ़ा दें या टीचर ट्रेनिंग करवा दें, या मैंने कई बार ख़ुद भी किया है कि स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता तो एक ज़ीरो सेमेस्टर लगा दें, उनको ला के प्रिपरेशन करवा दें, टीचिंग मेथड्स में यहाँ इम्प्रूवमेंट लाया जाए, वो इन्वर्टेड क्लासरूम हो जाए, टीचर्स की तनख्वाहें बढ़ा दें, वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव कर दें, एसीज लगवा दें, लाइब्रेरीज को इम्प्रूव कर दें, रिसर्च फैसिलिटी में, ये सबसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि बुनियादी मसला यहाँ पे नहीं है। तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रिक्वायर्ड है और हिम्मत के साथ बहुत बड़े बड़े इकदाम लेने हैं। तो क्यों हिम्मत की क्यों? अगर हम लोग कोई अच्छी तरमीम लेके आ रहे हैं, कोई अच्छी नई चीज़ लेके आ जाए तो सब लोग इसको वेलकम करेंगे, इसमें हिम्मत की क्या बात है? हिम्मत ये नहीं है, लोग इसको वेलकम नहीं करेंगे, रेवोल्यूशन वेलकम, क्योंकि जो मरकज़ी मैदान है वो इल्म का मैदान है और इस वक्त जो है वो सब लोग इसकी परेशान में, उम्मत में जो सीरियस, जो संजीदा लोग हैं सबको इसकी फिक्र है कि उम्मत की इस वक्त की जो कैफियत है, हाल है, उसका सबब क्या है और इसका इलाज क्या है। मगर मैंने ये ज़्यादा नहीं देखा इस बात को इस तरह से कि जो असल मैदान एक है वो इल्म का मैदान है और इसमें हम लोग मात खा गए हैं। और ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है क्योंकि वही का आगाज़ कहाँ से होता है? वही अल्लाह ताला सबसे पहले इकरा पढ़ो, अल्लाह ताला यानी रसूल अल्लाह सल्लम, ज़रा सोचें, ज़रा ये सीन इमेजिन करें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत की तलाश में और गार हिरा में बैठे हैं
हनीफ थे, मगर अल्लाह कौन है, दीन क्या है, कुछ भी नहीं पता था। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, जिब्रील अल्लाह ताला का तारुफ करवा रहे हैं, अल्लाह तुम्हारा रब कौन है। तो यह हमें पता है कुरान में कि अल्लाह ताला के कलमात जो हैं वो तो समुंदरों की रोशनाई को खाली कर दें और ख़त्म ना हो। तो अल्लाह ताला अपने कैसे तारुफ करते हैं, अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलक अल इंसान मिन अलक, इक़्रा व रब्बुकल अक्रमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लम अल इंसान मा लम यअलम। अब इसमें यानी एक समंदर है राज का, जिसमें से मैं सिर्फ दो तीन बातें पिक करूँगा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लम अल इंसान बिन क़लम, क़लम कहाँ से आ गया, अल्लाह ताला ने कोई क़लम नहीं इस्तेमाल किया, मगर इसमें भी एक वो है, हिकमत की बात है, मगर खैर उसको ज़्यादा बीच में नहीं लाएंगे सब। अल्लम अल इंसान मालम यालम, बस इस मेरा इस फोकस इस बात पे है कि अल्लाह ताला ने, असल में ये एक पेशीन गोई है, अल्लाह ताला इंसानियत को एक इल्म देने वाला है जो उनके पास नहीं है। इसमें ये पास्ट टेंस में अल्लाह ताला बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला के सामने फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब चीज़ें एक वक्त में हैं। ये बात बहुत अहम है समझने की, क्योंकि इसमें वो कल रात ही वो पूछ रहा था तुम्हारा बेटा, ये तकदीर का मसला है कि अल्लाह ताला ने पहले ही से लिख सब लोगों का तकदीर मुकद्दर में लिख दिया, तो फिर फ़ायदा ही क्या। तो बात यह है कि टाइम जो है वो अल्लाह ताला इज़ आउटसाइड ऑफ द टाइम डायमेंशन, उनको हर चीज़ पहले संभाल लें। तो जिस तरह से हम लोग अगर एक ड्रामा देखें जिसमें एक्टर्स हों और वो प्ले के ख़त्म में हम बतलाएंगे कि फ़लाने ने ये किया, फ़लाने ने वो किया, और सारी एग्जैक्ट सारी डिटेल्स बता सकते हैं किसने क्या किया, मगर इसकी ये मानी नहीं कि वो लोग जो है वो आज़ाद नहीं थे, हालांकि हमें इसका इल्म है। हमें इल्म तो बाद में हुआ जब उन्होंने कर लिया, अल्लाह ताला का इल्म हमेशा से है और हमेशा होगा। तो मगर इससे उसके फ्रीडम ऑफ एक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता, इंसान खुद ही अपनी चॉइसेस करता है। तो अल्लाह ताला अपने आप को मुअल्लम के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, अपना तारुफ करवा रहे हैं। अल्लाह ताला ने एक ऐसा अजीम शान इल्म दिया, उसकी हम असरात देख सकते हैं कि वो कौम, ये सैयद अबुल हसन अली नदवी की किताब है कि इस्लाम का उरूज और ज़वाल और दुनिया पे उसका असर, ये असल में ट्रांसलेशन है, जो असल किताब है वो अरबी में है, उसकी 18 जबानों में तर्जुमा हुआ है, और हर स्टूडेंट को, अगर हर मुसलमान को नहीं, इस किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसका मैंने एक बहुत मुख्तसर सा खुलासा अपने वो उस पर दिया हुआ है अपने ब्लॉग पे, वो भी देख लेना, काफ़ी हो जाएगा अगर पूरी किताब पढ़ने की फुर्सत नहीं है, मगर है किताब पढ़ने के लायक। बहरहाल इसमें ये बतलाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो पूरी आलम ही में अंधेरा था, तारीकी थी, मगर उसी अंधेरा तारीकी में अरब जो है वो सबसे पस्त तरीन, सबसे जो वो ज़माने जाहिलियत कहते थे अपना, सबसे नीचे थे अपनी कौमों के रैंक और स्टेटस के एतबार से, फिर इस इल्म के ज़रिए से वो सारी दुनिया के सरदार बन गए, और इस इल्म का नूर जो है वो सारी दुनिया में हज़ार साल तक एक ऐसा सिविलाइजेशन काम हुआ। तो ये कैसा इल्म था, ये क्या इल्म था, क्या वो इल्म हमारे पास है, इसकी तो हमें कोई वो नहीं नज़र आती, उसकी कोई रिफ्लेक्शन, कोई झलक नहीं नज़र आती, क्योंकि हम इस वक्त अंधेरे और तारीकी में, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सारी दुनिया में इल्म का नूर है, हमारे पास नहीं है। तो क्या हुआ इस इल्म को, इस इल्म ने अपनी पोटेंसी लूज़ कर दी, या हमारे पास नहीं है। तो हकीकत यह है कि वो अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की थी कि इस्लाम अजनबी बनकर आया था और अजनबी बन जाएगा। तो बहरहाल जो मैदान कारजार है वो इल्म का मैदान है, जब तक हम इसमें सूरमा थे और चैम्पियंस थे तो हमारी दुनिया पे रोब था और धाक थी, और जब हम इस मैदान में पीछे हट गए तो फिर हमारा ज़वाल हो गया, और आज भी वो मैदान खुला है, और आज भी कुरान में वही मौजज़ा है जो कि 1400 साल पहले था। आज भी हम उसके, हम बजाय हार्वर्ड से इल्म लेने के कुरान से इल्म लेना शुरू करें तो दुनिया का रंग बदल जाए, मगर आज मुसलमानों को कुरान में एतबार नहीं है।
आज मुसलमान कहता है कि हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी आफात आई हैं, मसले हैं, तो हार्वर्ड से एक्सपर्ट्स को बुलाएं ताकि वो इस मसले को हल करें। ये नहीं कहते कि हम अल्लाह ताला से रुजू करें। बाय द वे ये इस वक्त मुसलमान इस वक्त हमारे ऊपर बहुत बड़ी आफत आई है और हम सब उनके लिए इज्तमाही इनफरादी दुआ करें। और ये मसाइल जो हैं उनका अल्लाह ताला ने बतलाया कि हम तुम्हारे ऊपर ये छोटी मुसीबतें भेजते हैं ताकि तुम मेरी तरफ रुजू करो, तो उसका मकसद होता है। और अल्लाह ताला हमारे अमाल को देखते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अमाल हो रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जह होगी। मगर हम सब यानी दिल में इसका गम होना भी ज़रूरी है और इसके लिए दुआ भी करनी चाहिए। तो ये जो इल्म है ये हमें ग़ुलाम भी बना सकता है और हमें आज़ाद भी कर सकता है। अहम बात है इल्म की कि जिस इल्म से आज़ादी हासिल होती है वही इल्म हमें बना सकता है। तो कार्ल मार्क्स की एक बहुत अहम इंसाइट है, एक बहुत अहम उसकी तज़िया है कि उसका बेसिक थीम तो ये थी कि कैपिटलिज्म में जो कैपिटलिस्ट हैं वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। उसने कहा कि उसने एक ज़्यादा अहम और ज़्यादा बारीक बात की, उसने कहा कि ये एक्सप्लॉयटेशन जो है ज़बरदस्ती नहीं होता है कि वो डंडा लेके कहते हैं कि तुम करो नहीं तो तुम्हें पिटाई होगी, बल्कि वो उनको इस पर आमादा कर देते हैं कि तुम वो उनको इस पर राज़ी कर देते हैं कि ये जो हमारा एक्सप्लॉयटेशन ये सही है, ये इंसाफ का तकाजा है। और वो कैसे होता है? वो इकोनॉमिक थ्योरी के ज़रिए से होता है। इकोनॉमिक थ्योरी कहती है कि वेजेस आर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, हालांकि इस बात का कोई सर पैर नहीं, मगर ये बतला रहे हैं कि हम इंसाफ से देते हैं कि जो वेजेस हैं जो लेबरर को मिलते हैं वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट है, जो कैपिटलिस्ट को मिलते हैं वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट है, दोनों को यानी एक ही पैमाने से तोला जाता है, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल झूठ बात। मगर बात यह है कि चूँकि ये तालीमी निज़ाम एक हथियार है जिसके ज़रिए से कौमों को ग़ुलाम बनाया जाता है, तो इसलिए अगर हम इस तालीमी निज़ाम में छेड़छाड़ करेंगे तो ये उनकी यानी नॉलेज पावर की इक्वालिटी जो है वो बहुत मशहूर फ़लसफ़ी है फुको, उसने कहा है कि नॉलेज और पावर एक ही चीज़ है, दो चीज़ है, हम लोग समझते हैं ये दो चीज़ों का नाम है, ये दो चीज़ नहीं एक चीज़ है। तो ये इल्म जो है ये ज़रिया है जिसके ज़रिए से हमारे ऊपर कब्ज़ा रखा जाता है। इस वक्त हमारे बड़े बड़े सूरमा इकोनॉमिस्ट जो हैं वो उनमें से बड़ी तादाद कहती है कि ये IMF तो हमारी मदद करने आई है और इसके प्रोग्राम्स को हमें फॉलो करना चाहिए और अगर हम अपना डेट को कम करना चाहिए और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए, हालांकि ये सब हमारे लिए बेहद नुकसानदेह चीज़ हैं। तो ये लोग इसलिए नहीं कहते हैं कि ये आला कार है कैपिटलिज्म के हमारे ऊपर तसल्लुत, ये इसलिए कहते हैं कि मुखलिस हैं, समझते हैं कि इसी से फ़ायदा होगा। मगर ये गलत फहमी कैसे पैदा हुई? उसी तालीम से जो हम उनको दे रहे हैं। तो अगर हम इसमें चेंज करना शुरू करेंगे तो ये जो मौजूदा पावर्स का निज़ाम है वो उसको बहुत स्ट्रांगली रिजिस्ट करेगा। और अमेरिका में तो ये मुमकिन ही नहीं है। अमेरिका में जो हेट्रोडॉक्सी है, जिसको कहते हैं कि जो लोग ऑर्थोडॉक्स और कन्वेंशनल इकोनॉमिस्ट को अटैक करते हैं, उन लोगों को बिल्कुल ही मार्जिनलाइज कर दिया गया है। हालांकि बात उनकी बहुत ही ज़्यादा यानी हकीकत से ज़्यादा मिलती है, मगर उनकी बात चलने नहीं देते हैं। मैं ख़ुद इस तरीक़े तालीम से गुज़र चुका हूँ तो मुझे पता है कि कैसे हम लोगों को स्टूडेंट्स के तौर पे हम लोगों को टीका लगाया जाता है कि हम लोग जो अनऑर्थोडॉक्स बातें करते हैं उनको सुने ही नहीं। जैसे मेरे ग्रेजुएट एजुकेशन में हम लोग को कार्ल मार्क्स के बारे में सिखलाया गया कि हाँ बहुत ज़हीन आदमी था, उसने एक मेजर गलती कर दी, उसने जो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू बनाई वो असल में गलत थी और वो बाकी सारी थ्योरीज भी गलत साबित हुई, कोई रेवोल्यूशन उसने कहा कि रेवोल्यूशन आने वाला है वो नहीं आया और भी बहुत सी, तो उसकी गलतियाँ बताते हैं, हाँ अपने अपना ज़माने में ग्रेट थिंकर था। तो इस तरह से बातें करके यानी हमें यानी उसकी किताबें खोलने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती है, पहले से पता है कि इसके अंदर सारी गलतियां हैं, हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से हम उसकी तरफ जाते ही नहीं हैं,
हालांकि जो वो उसके बारे में बताते हैं सब गलत है, और उसने जो असली बातें जो कहीं जो बहुत कीमती हैं और बहुत अहम हैं वो हम तक उनकी रसाई नहीं होती। तो ये जो पावर्स दैट बी हैं वो तो इस तालीम में जो हम फ़र्क करेंगे वो उससे बहुत मुखालफत करेंगे, मगर जो हमारे तलबा हैं और जो अवाम है उसको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा और वो लोग इसको वेलकम करेंगे। तो ये हमेशा से ये एक जंग है, ये नहीं है कि ये एक रिफॉर्म है। रिफॉर्म और रेवोल्यूशन में फ़र्क होता है। रिफॉर्म जो है कि मौजूदा निज़ाम को कायम रखते हुए उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करना, तो वो रिफॉर्म तो हर कोई पसंद करता है क्योंकि कहता है कि हमारा निज़ाम और बेहतर हो जाएगा। हम कहेंगे नहीं, हम निज़ाम ही को बदल देंगे, लोग कहेंगे नहीं ये हमें नहीं कबूल है। इसमें फिर जंग जो है वो उसको जंग ही की तरह से लड़ा जाएगा। और इसके मानी ये है कि हमें स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी होगी क्योंकि हमारे पास ताकत नहीं है, ताकत उनके पास है। तो स्ट्रेटजीज बहुत सी हैं, सोच के करना होगा और सब्टरफ्यूज इस्तेमाल करना होता है। जैसे मैं अक्सर यानी मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह पावर था, मैं वाइस चांसलर था, तो मैंने फिर इन्फोर्स किया कि अच्छा ये कोर्स मैं ख़ुद पढ़ाऊँगा और इसमें मैं ये पढ़ाऊँगा, मगर ये देर पास नहीं होता है। जैसे लोगों ने कहा जो आपने कोशिश की वो सब आपके रिफॉर्म्स रिवर्स हो गए हैं, जो मैंने वहाँ कोर्सेज पढ़ाए थे अब बैक टू नॉर्मल टीचिंग है। और ये मैं जानता था कि ये होने वाला है क्योंकि वो पहले मैंने कोशिश की कि टीचर्स को ऑन बोर्ड लूँ, टीचर्स को मैं ऑन बोर्ड नहीं ले सका। फिर मैंने कहा चलो फिर स्टूडेंट्स ही को तैयार कर देते हैं, ये लोग जाके आगे जाके टीचर्स बनेंगे। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, वो आते हैं तो वो दे आर विलिंग टू लिसन। टीचर्स का पहले से माइंड सेट होता है और टीचर्स को सबसे ज़्यादा लॉस भी होता है असल में। जब हम कहते हैं कि निज़ाम बदलना है तो कहते हैं अच्छा हमने जो चार साल पढ़ा और जो पेपर लिए सब अब बस है, तो हाँ पहले ये सैक्रिफाइस देते हैं तो फिर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मगर लोग ज़्यादातर इस सैक्रिफाइस को देने पर आमादा नहीं होते। इसलिए जब हम रेवोल्यूशन रिफॉर्म की बात करते हैं सबसे पहले एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट HEC वाले हैं, जो हमारे अपने टीचर्स हैं, जो हमारा रेक्टर है, वाइस चांसलर है, HOD है, ये सब रास्ते में आ जाते हैं कि आप ये सब पढ़ाएंगे तो हमारे स्टूडेंट्स को जॉब्स में मिलेंगी और उनको हर किस्म के प्रॉब्लम्स पैदा होंगे, वो उनका शुमार नहीं होगा, HEC हमारी डिग्री को रिकग्नाइज नहीं करेगा, हज़ारों चीज़ें। तो बहरहाल ये सारा यानी तो ये इतराज़ात होते हैं और ये हैं जेन्युइन कंसर्न्स हैं, मगर जब आप रेवोल्यूशन फाइट करेंगे तो फिर जो है उसमें कुछ आपकी कैजुअलिटीज़ भी आएंगे। कहते हैं कि यू कैंट मेक ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स, कुछ ना कुछ तो तोड़ फोड़। अरे ये क्या हो गया, अच्छा ये मैंने तो उससे पहली कदम है ये इस बात को समझना कि ये इकबाल का शेर है बहुत बेहतरीन। खीरा न कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाक मदीन नजफ। तो मुराद ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि हमारा काम बहुत मुश्किल है क्योंकि हमें पहले एग्जिस्टिंग कॉर्पस ऑफ नॉलेज जो है इकोनॉमिक्स का, जो 100 साल की उनकी मेहनत है और जो बहुत ही पेचीदा और कॉम्प्लेक्स है और उसमें यानी हज़ारों चीज़ें हैं जो कि इन सब को मास्टर करेंगे पहले, उसके बाद फिर हम इसकी तनकीद करेंगे, फिर हम इसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो ये तो 100 साल का प्रोग्राम है और हो नहीं सकता, जल्दी से होने का सवाल ही नहीं है। तो मगर ये बात है कि अगर हम ये कहें जो कि मैं कहता हूँ कि सारा कचरा है, ये एक्चुअली एंटी नॉलेज है, इसको गार्बेज में फेंक दो, जीरो से स्टार्ट करो, तो फिर और ये कि जो इस कचरे को पढ़ रहा है वो एक्चुअली नेगेटिव पोजिशन में है, वो ऑलरेडी पीछे है। तो सिर्फ हम ये इस वक्त सिचुएशन ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि मगरिब हमसे 100 साल आगे है। अगर हम लोग अपना रुख बदल लें, अपने आप को यू टर्न कर लें, कहें तो कहें वो हमारे 100 साल पीछे हो जाएंगे, और हम अपना मंजिल बदल लें तो हम लोग ऑलरेडी एट ज़ीरो हम लोग बेहतर पोजिशन में उससे, उस शख्स से जिसने हार्वर्ड से PhD किया है। ये है क्योंकि उसका ब्रेन वॉश हो चुकी है और उसको बहुत सारे गलत ख्याल सिखला दिए गए हैं, अब उसको सही करने में बड़ी मेहनत लगेगी। हमारे जहन में ये सब गलत ख्याल नहीं है तो इसलिए हमारी स्टार्ट ज़्यादा आसान। तो अब बुनियादी मसला क्या है इसको समझने के लिए ये एक किताब है जूली रूबिन,
मेकिंग ऑफ द मॉडर्न यूनिवर्सिटी, इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ मोरालिटी। इसका मैंने एक समरी लिखी हुई है जिसका मैंने यहाँ पे एक वो बनाया हुआ है, एक लिंक है। तो उसने किताब में बहुत हैरानकुन बात लिखी है, मैंने पढ़ा तो मैं बिल्कुल ही दंग रह गया कि ये, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था। उसने कहा कि आप 20th सेंचुरी की अर्ली कॉलेज कैटलॉग्स उठा लें, हार्वर्ड की हो चाहे अमेरिका में बहुत सारे कॉलेजेस थे, और उसको पढ़ें। तो वो कहते हैं शुरू में कि हमारी तालीम का मकसद है किरदार साजी, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे अच्छे कैरेक्टर हों, लीडरशिप स्किल सीखें, उनके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो, उनके अंदर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो, और यानी वो अच्छे इंसान बन के निकलें। अब आप सारी यानी अमेरिका में किसी भी कॉलेज, अमेरिका को छोड़ें और अमेरिका की नकल सारी दुनिया में किसी भी कॉलेज की आप कैटलॉग उठा लें तो किरदार साजी का कोई तस्करा ही नहीं। तो ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्या, ये कौन सा रेवोल्यूशन था, ये कैसा है? ये बेसिकली किताब इसी के बारे में है कि मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ कैसे बनी। तो वैसे तो उसमें बहुत सारे मजमून हैं, मगर जो एक की है जो हमारे लिए इस वक्त, एक ग्लास पानी। तो उसने कहा है कि जो एक नई थ्योरी ऑफ नॉलेज इमर्ज की अर्ली 20th सेंचुरी में, और इसको नाम था लॉजिकल पॉजिटिविज्म, जिसका हम सब ने नाम नहीं सुना है, मगर यानी ज़्यादातर लोगों ने नाम नहीं सुना है, मगर इसका सबका जहनों पे असर है, क्योंकि सारी की सारी तालीम इसकी बुनियादों पे बनाई गई। तो इसकी यानी लंबी चौड़ी तफसील है, बड़ी गहरा कॉम्प्लेक्स फलसफा है, मगर अल्टीमेटली एक बात कहती है कि साइंस जो है वो एक वाहिद जरिया है इल्म तक पहुँचने का, और इसके अलावा सारी चीज़ें जो हैं वो बेकार हैं। साइंस से हमें फैक्ट्स का पता चलता है, और जो फैक्ट नहीं है वो ओपिनियन है, और ओपिनियन को हम नज़रअंदाज करते हैं, ओपिनियन नॉलेज नहीं हो सकता। तो ये एक जहरीली थ्योरी ऑफ नॉलेज है, और सारा का सारा एजुकेशन इन्हीं बुनियादों पे रीशेप किया गया। बेसिकली ये मसला है, और हमारे स्टूडेंट्स के जहन में भी, देखें आपको पॉजिटिविज्म सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बैचलर्स के करिकुलम में आपके पास केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और अला और बला सब कुछ है, मगर किरदार के बारे में कभी तस्करा ही नहीं होता, तो स्टूडेंट खुद ही समझ जाएगा कि साइंस इम्पॉर्टेंट है और किरदार साजी का कोई, अखलाक, इन सब, ये सब चीज़ों की कोई अहमियत नहीं, और यही हम सिखला रहे हैं। तो एक बहुत अहम बात है जो कि लोगों को नहीं पता है, वो ये है कि ये सोशल साइंस जो है ये अर्ली 20th सेंचुरी में पैदा हुआ। ये क्योंकि सोशल साइंस जो है वो इसके ख़िलाफ़ दावा करते हैं, कहते हैं कि हमारा बहुत पुरानी हिस्ट्री है, और एडम स्मिथ से शुरू हुआ इकोनॉमिक्स, और उससे पहले भी ग्रीक्स से शुरू करते हैं, मगर ये सब गलत बातें हैं। जो इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, वो अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी में पैदा हुआ, और इसी तरह से इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सारे के सारे सोशल साइंसेस लॉजिकल पॉजिटिविज्म की रोशनी में नए सिरे से वजह किए गए अर्ली 20th सेंचुरी में, और जहरीला बन गए। और ये सोशल साइंस जो है ये खुद लफ्ज़ धोखा दही है, क्योंकि इसमें ये जो साइंस का लफ्ज़ है ये दो गलत दावे का तर्जमानी करता है। एक दावा ये है कि ये साइंस है जिस तरह से फिजिक्स साइंस है, यानी हम यहाँ पर फैक्ट्स और लॉज स्टडी कर रहे हैं, और ये हम ओपिनियंस नहीं है, इसमें कोई ओपिनियंस नहीं है, इसमें कोई वैल्यूज नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दावा है उनका। ये बहुत झूठ बात है, क्योंकि ये असल में सोशल साइंस महज उनकी एक ख्याल है, ख्याली पुलाव है, और इसमें बहुत सारी मोरल वैल्यूज छुपी हुई हैं। तो मगर चूंकि वो इसको पेश करते हैं, हम लोग बुद्धू बन गए हैं, इसीलिए वही बात है, खीरा कर रहे हैं, उनके इल्म का जलवा इतना स्ट्रांग है, इतना ब्राइट है, वो इतने बड़े बड़े इक्वेशन लिखते हैं कि हम लोग डर के मारे सजदे में पड़ जाते हैं, और हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता है कि ये सारा धोखा दिया जा रहा है।
दूसरा जो उनका गलत दावा है, बातिल दावा है, वो ये है कि जिस तरह से फिजिक्स की लॉ ऑफ ग्रेविटी है तो वो हर वक्त हर जमाने में हर जगह इक्वली वैलिड है। ये नहीं है कि पाकिस्तान में लॉ ऑफ ग्रेविटी अलग होगी और इस्लामिक लॉ ऑफ ग्रेविटी अलग होगी और क्रिश्चियन लॉ ऑफ ग्रेविटी अलग होगी। तो इसी तरह से उनका ये कहना है कि जो इकोनॉमिक्स की लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है वो सारी दुनिया में हर कल्चर में 1800 में भी ऐसी चलती है, 1900 में भी ऐसी, और अफ्रीका में भी चलती है और एशिया में भी और यूरोप में भी और अमेरिका में भी। ये भी बिल्कुल गलत दावा था। मगर असल में इनकी जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है वो कहती है कि सिर्फ इस चीज़ को इल्म तसव्वुर किया जा सकता है। चुनांचे पहले जो इकोनॉमिस्ट थे वो कहते थे कि भाई हमारी इकोनॉमिक्स जो हमारे मुल्क के लिए है, दूसरे मुल्क में दूसरी इकोनॉमिक्स चलती है, मगर अब वो उनको मजबूरन यानी उसको हमें इल्म बनाना है तो उनको ऐसी लॉज को ढूंढना पड़ा या कम अज़ कम ये दावा करना पड़ा कि हमारी लॉ जो है वो यूनिवर्सल इन्वेरियंट है। तो अब हम अपने जहन से सोचें कि भाई ट्रेड थ्योरी है, अगर इंटरनेशनल ट्रेड हम पढ़ रहे हैं तो अगर हम इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड बनाएंगे तो वो बहुत उसकी नौइयत बिल्कुल अलग होगी, और जर्मनी और फ्रांस का होगा तो वो अलग होगा, और यूके और नाइजीरिया का ट्रेड होगा तो वो बिल्कुल अलग होगा, उसके अलग उसूल होंगे, उसके अलग स्टडी होगी। मगर हमारी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी कहती है कि नहीं, सबको एक ही कानून चलता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है, मगर तो ऐसा है। सोशल साइंस की हकीकत ये है कि सोशल साइंस, जैसे कि इसका नाम बतलाता है, इंसानी माशरत की स्टडी का नाम है। मगर कौन सी माशरत, यानी हम यूरोपियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं या अफ्रीकन सोसाइटी की बात कर रहे हैं या चाइनीज़ सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो सोशल साइंस में तो इसका कोई तस्करा नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसको साइंस होना है इसलिए इसमें पर्टिकुलर्स आ नहीं सकते हैं, यूनिवर्सल लॉज होनी है। तो जब हम ज़रा गहरी तहकीक करते हैं, और ये बहुत बहुत सारे लोगों ने यानी मगरबी फ़लासफ़ा में इन्होंने इस बात तक पहुँचे और बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि सोशल साइंस इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया कि द यूरोपियन एक्सपीरियंस इज़ अ टेम्पलेट फॉर यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। तो ये तो है नहीं, तो इसको यानी यूँ कहना चाहिए कि यूरोपियन या यूरोसेंट्रिक या वेस्टर्न सोशल साइंस कह सकते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी से जो लेसन्स निकाले उन्होंने उसका सारी दुनिया पे इतलाक कर दिया, तो ये गलत है। और इसके करने की कई वजूहात हैं, मगर एक तो ये भी है कि एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो अहले मगरिब को पैदा हुआ, क्योंकि उन्होंने सारी दुनिया फतह की तो उन्होंने कहा हम सबसे बेहतर हैं, हम सबसे एडवांस्ड हैं, हमारे सिविलाइजेशन जो है इसका कोई मुकाबला नहीं, बाकी सारे सिविलाइजेशन जो हैं बच्चों की तरह से हैं, जब वो बड़े होंगे तो वो हमारी तरह के हो जाएंगे, चुनांचे हमारे लॉज जो हैं सब पे लागू होंगी। ये बात भी बिल्कुल गलत है, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं। तो एक तो ये बुनियादी बात हुई कि सोशल साइंस जो है वो नहीं है जो कि जिसका वो दावा होता है। मगर इससे ज़्यादा गहरी बात ये है कि सोशल साइंस दरअसल एक दीन है, और ये दीन हमारे इस्लाम से हर जगह टकराता है, बहुत सारे जहतों में इसकी और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। चुनांचे जब हम सोशल साइंस पढ़ाते हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स को कुफर पढ़ा रहे हैं। तो जैसे कि इकोनॉमिक्स में वाज़ है कि इकोनॉमिक्स में हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि इंसान रैशनल बिहेवियर ये है कि इंसान दुनिया में लज्जतों की को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें, भला बतला इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है, और वो भी लज्जतें वो जो कि आप कंसम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से हासिल करते हैं। अब जिन लोगों ने एक्चुअली यानी अहले मगरबी ने हैप्पीनेस को स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये हैप्पीनेस जो है वो खाने पीने से तो नहीं आता है, शॉर्ट टर्म में है, आदमी को भूख लगी है खाना खा ले तो शॉर्ट टर्म थोड़ी देर के लिए प्लेजर हो जाता है उसका, मगर अगर आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देखें तो बहुत पुराने सबक उन्होंने फिर से ढूंढ निकाले कि उसका डिपेंडेंस किस चीज़ पर, दो चीज़ों पर उन्होंने कहा, एक किरदार है और दूसरा सोशल रिलेशनशिप्स है। ऐसे अलग हकीकत है वो तो इस्लाम में और भी गहरी है, मगर चल ये सेक्युलर लोग भी यहाँ तक पहुँच गए। तो हुआ क्या, ये सोशल साइंस ने अपनी मौजूदा शक्ल यूरोप में
इस तरह की कैसे इख्तियार की, इसको समझने के लिए देखना होगा। अब इसकी बहुत लंबी चौड़ी तफसील भी है और मैंने इसकी ज़्यादा तफसील से इसका तज़किरा किया है दूसरे मकालों में, मगर यहाँ पर हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं इसका बैकग्राउंड जो कि फ़ीज़ाते ही फी नफ से ही अहम है उसको स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं कि तकरीबन यानी एक चर्च में एक डिवीज़न हो गया, कैथोलिक्स थे और प्रोटेस्टेंट्स हो गए, इसको कहते हैं रेफॉर्मेशन हो गया। मार्टिन लूथर ने जो है वो एक नया फैक्शन बना दिया और फिर उनमें जंगें शुरू हुई ऐसी शदीद के जैसी दुनिया में नहीं देखी गई हैं। उसमें यानी एक तिहाई यूरोप का पॉपुलेशन वाइप आउट हो गया और उसमें ये भी थी कि ये अनयूजुअल किस्म की जंग थी यूरोप के लिए, यानी वहाँ उनमें जंगें तो हर वक्त चलती रहती थी, बहुत ही लड़ाकू जंगजू लोग थे, यूरोप जर्मनी से लड़ रहा है, स्पेन इटली से लड़ रहा है वगैरह वगैरह, मगर ये जो है ये फैमिली फैमिली से बट गई, क्योंकि कुछ लोग प्रोटेस्टेंट्स हो गए, कुछ फैक्शन हो गए, तो भाई भाई से लड़ाई हुई। तो इसका सबसे ज़्यादा बहुत गहरा असर हुआ यूरोपियन जहनी साख्त पे। और इससे एक बात तो साबित हो गई सबके नज़दीक, दीनदार हो चल रहा है कि यानी यूरोप में कि दीन को सोशल साइंस की बुनियाद नहीं बनाया जा सकता है। तो बाइबल को से की मदद से अगर हम लोग सोसाइटी चलाएंगे, अपनी इकोनॉमिक्स चलाएंगे, पॉलिटिक्स चलाएंगे, अगर आप उनकी तारीख देखें तो एक स्कूल ऑफ थॉट था जिसको कहते थे स्कूलमैन या स्कोलास्टिक स्कूल ऑफ थॉट या स्कोलास्टिक इकोनॉमिक्स। तो वो लोग सारी यानी माशरती उलूम सारे बाइबल की बुनियाद पे बनाते थे और बनाए हुए थे और बहुत सारे थे, मगर वो सब रद्दी में फेंक दिए गए, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल नतीजा देख लिया था कि इससे तो जंग ही जंग होती है और कंटिन्यूस वॉरफेयर। तो इन्होंने कहा कि ये तो चलेगा नहीं, तो एक सेकुलर सिस्टम ऑफ नॉलेज बनाया जाए जो कि किसी दीन की बुनियाद के बगैर हो। तो इससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा हुआ यूरोपियन इंटेलेक्चुअल्स के सामने। सबसे पहला नया सोशल साइंस जो मधुबनी सेकुलर सोशल साइंस वो पॉलिटिकल साइंस था, क्योंकि सबसे अहम ज़रूरत थी कि जंग से कैसे बचा जाए। तो पॉलिटिकल साइंस, मगर वो पॉलिटिकल साइंस वो हो जो स्कूलमैन वाले नहीं हो बल्कि बग़ैर दीन के सेकुलर बेसिस पे हो। तो ये सारे लोग जो बहुत सारे एनलाइटनमेंट फिलासफर्स थे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पे किताब लिखी, हॉब्स है, रूसो, वॉल्टेयर, ये सब ने पॉलिटिक्स कैसे चलाई जाए उसके बारे में लिखा। इसके अलावा एक इससे ज़्यादा गहरा प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने कहा कि ये जब बाइबल हमें गाइडेंस ही नहीं देता सबसे अहम मौजूदात पे, तो हमें इसके मानी कि हमें पूरा जो इंसानी उलूम का जो वो एक अंबार है इन सब से इनकार करना होगा और अज़सर नौ इल्म को वज़ा करना होगा। चुनांचे ये जो डिकार्ट कहता है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये भी इसी तरह से शुरू कर रहा है कि सारी की सारी चीज़ें शुभम है, किसी चीज़ पे भरोसा नहीं किया जा सकता, सारे के सारे इंसानी उलूम जो है वो। तो अब हम कहाँ से शुरू करें? तो सबसे पहले तो यहीं से शुरू करेंगे, मेरी ज़ात भी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो एक नेचुरल यानी जब ज़ीरो से स्टार्ट लेंगे तो फिर यहाँ से स्टार्ट लेंगे। इन्होंने इनका भी यही मसला था कि ज़ीरो से स्टार्ट लेना है हमें और सारे उलूम को। तो बेसिकली इन्होंने फिर सारे उलूम को नए सिरे से वज़ा किया। तो एक यानी एक बहुत अहम मसला है जिसको लोग समझते नहीं हैं दोनों तरफ के, कि ये लफ्ज़ रिलीजन जो है पहले मगरब में भी और हमारे पास भी उसके उस वो मुहित था हर चीज़ पे, हर इंसानी एक्टिविटी रिलीजन के स्कोप में आती है। तो रिलीजन में दो चीज़ें हैं, एक है फेथ, एक जो पर्सनल फेथ है हमारा ईमान,
और एक है दीन, जो कि वे ऑफ लाइफ जिसको कहा जा सकता है। तो ये हमारा इस्लाम हमेशा से दोनों पे मुहित है। उनके यहाँ क्रिश्चियनिटी दोनों पे मुहित था, मगर उन्होंने क्रिश्चियनिटी को निकाल बाहर किया दीन के शोबे से, और फिर कहा कि अच्छा दीन को, उन्होंने दीन के लफ्ज़ को महदूद कर दिया कि इसका मतलब अब से सिर्फ पर्सनल सिस्टम ऑफ बिलीफ होगा, इसको हम उसमें इतलाक उसका है ही नहीं दीन का। और जो अहले दीन थे वो भी इसको उन्होंने तस्लीम कर लिया कि ठीक है हम दीन को कन्फाइन। तो बेसिकली इन्होंने फिर सारे इलूम को नए सिरे से वज़ा किया। तो एक यानी एक बहुत अहम मसला है जिसको लोग समझते नहीं हैं दोनों तरफ के, कि ये लफ्ज़ रिलीजन जो है पहले मगरिब में भी और हमारे पास भी उसके उस वो मुहित था, हर चीज़ पे हर इंसानी एक्टिविटी रिलीजन के स्कोप में आती है। तो रिलीजन में दो चीज़ें हैं, एक है फेथ, एक जो पर्सनल फेथ है हमारा ईमान, और एक है दीन, जो कि वे ऑफ लाइफ जिसको कहा जा सकता है। तो ये हमारा इस्लाम हमेशा से दोनों पे मुहित है। उनके यहाँ क्रिश्चियनिटी दोनों पे मुहित था, मगर उन्होंने क्रिश्चियनिटी को निकाल बाहर किया दीन के शोबे से, और फिर कहा कि अच्छा दीन को, उन्होंने दीन के लफ्ज़ को महदूद कर दिया कि इसका मतलब अब से सिर्फ पर्सनल सिस्टम ऑफ बिलीफ होगा, इसको हम उसमें इतलाक उसका है ही नहीं दीन का। और जो अहले दीन थे वो भी इसको उन्होंने तस्लीम कर लिया कि ठीक है हम दीन को कन्फाइन कर लेते हैं। चुनांचे लफ्ज़ रिलीजन का मतलब ही पर्सनल बिलीफ सिस्टम हो गया, चुनांचे कम्युनिकेशन फेलियर हो जाता है, क्योंकि हम लोग जब रिलीजन कहते हैं तो हम लोग उसको समझते हैं कि ये हर शोबे में वही था, वो उसको पर्सनल बिलीफ सिस्टम कहते हैं। तो एक यानी एक ज़ाती वाक़ा है जिसमें मुझे यानी पहली मरतबा इसकी बहुत ज़्यादा वजाहत हुई कि वहाँ जब मैं गया, एक हमारी प्रोजेक्ट थी रिलीजन एंड डेवलपमेंट, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के साथ हम लोग कर रहे थे, तो उसने मुझसे पूछा वहाँ के जो डायरेक्टर थी प्रोजेक्ट की, कि ये बताओ कि इस्लाम का यानी दीन का यानी तुम्हारे मज़हब का ज़िंदगी के किस किस शोबे पे असर है पाकिस्तान में। हमारे पास इसकी इंग्लैंड में असर है, तो इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी का असर तो बहुत महदूद है, बहुत लिमिटेड है, हम उसको ट्रेस कर सकते हैं कि यहाँ पे है यहाँ पे है, और ज़्यादातर इसमें कोई इसका कोई दखल ही नहीं है। तो जब मैंने सोचना शुरू किया तो मैंने कहा इस्लाम का तो हर चीज़ पे असर है, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है पाकिस्तान में जिसमें आप कहें कि इसमें इस्लाम का दखल नहीं है। चाहे बेशक आपके वो मुल्हदीन का ग्रोह भी हो, तो वो यानी यू कैन से एंड पीपल हैव सेड के जो इस्लामी मुल्हद है उसकी भी शनाख्त अलग होती है, और जो यूरोपियन मुल्हद है वो अलग तरह से सोचता है। तो यानी इल्हाद में भी इस्लाम का असर है, तो बाकी ज़िंदगी के हर शोबे में इसका असर है। तो ये बात मेरी उसको नहीं समझ में आई कि ये कैसे हो सकता है कि दीन का हर चीज़ पे असर है। तो बहरहाल यानी ये बात समझ में आई कि तो उनका दीन जो है वो सोशल साइंस है, हमारा दीन जो है वो इस्लाम है, तो इन दोनों में कोई वो नहीं है, मैच नहीं है। तो अब यही है, दिस इज़ व्हाट द टाइटल ऑफ द टॉक, सो रीबिल्डिंग द सोशल साइंसेज ऑन मल्टीप्लेक्स। अब ये मल्टीप्लेक्स लव्स जो है ये बहुत अजीब सा है, क्योंकि हम असल में ये मरातिबुल उलूम मरातिबुल वजूद का तर्जुमा किया है रजब शंतुर्क ने, और एक बात जिस पे हम सब का इत्तफाक है जो लोग इस्लामिक रिवाइवल के लिए काम कर रहे हैं कि इसको रूटेड रिवाइवल होना चाहिए, यानी हमारा जो रिवाइवल है वो अपनी तुरास की बुनियाद पे खड़ा जाएगा तब वो पायदार होगा। नहीं तो ऐसे भी लोग हैं, हम कई मिसालें दे सकते हैं, जो कहते हैं हाँ इस्लामिक रिवाइवल होगा और मैं बतलाऊँगा कि इस्लाम क्या है और किस तरह से इसको रिवाइव किया जाए, और जो वो बातें कह रहे हैं उनका हमारे ट्रेडिशन से कोई ताल्लुक नहीं। तो अगर हम यानी अपनी तरफ से एक नया इस्लाम की ताबीर शुरू करके कहेंगे कि अच्छा ये इस्लाम की ताबीर है जो मैं करता हूँ और ये तरीक़ा हम इख्तियार करेंगे, तो हैं ऐसे लोग बहुत से हैं जिन्होंने यूरोप की जो उलूम है उसमें बहुत सारे नुक्स हैं, और उनको अटैक करके हम एक नया तरीक़ा वजह कर सकते हैं। और यानी एक ग्रुप है यूरोप में पोस्ट मॉडर्निस्ट का, एक तो यानी एक तो हमारे नक़ाल हैं
तो कुछ लोग हैं जिन्होंने मॉडर्निज्म की पूरी एक मूवमेंट है, उन्होंने कहा इस्लाम जो है वो बस वही चीज़ है जो मॉडर्निज्म है। उन्होंने सारी जो जहाँ जहाँ उनमें कोई फ़र्क था वो उसने उन्होंने पे ओवर कर दिया। इसी तरह से हमारे इस्लामिक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स तो बैन ही इस्लाम है। तो जो जो इकोनॉमिक्स की जो सैमुअलसन ने लिखा था बस वही इस्लाम भी हमें सिखलाता है। तो ऐसी टेक्स्ट बुक अभी भी 2-3 साल पहले लिखी गई हैं। तो एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, एक मलेशियन की इस्लामिक यूनिवर्सिटी। तो अब इसके आगे नक़ाल वाले हैं जो पोस्ट मॉडर्निज्म आया जिसने मॉडर्निज्म से इनकार किया। तो एक बहुत स्ट्रांग फ़िरका है जो ये कहता है कि बस इस्लाम जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं। और इसी तरह से हेटरडॉक्स इकोनॉमिस्ट में भी बहुत से हैं। तो नट्स एंड बोल्ट्स बुक का लिस्ट की बात, मगर हम यहाँ पे ज़्यादा बुनियादी बातें कर रहे हैं। जड़ क्या है उस स्ट्रैटेजी की जिससे हम लोग रेवोल्यूशन ला सकते हैं। तो मैंने कहा कि जो मसला पैदा हुआ वो थ्योरी ऑफ नॉलेज में गलती हो गई, इसको करेक्ट कर दें तो मसला हल हो जाएगा। और जो बेसिक बात है वो ये है कि इस वक्त जो सारी की सारा नॉलेज फराहम की जा रही है मगरबी साख में वो लॉजिकल पॉजिटिविज्म पे बेस्ड है। हम लोग इसको इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी यानी इस्लामिक थ्योरी ऑफ नॉलेज से बदल दें। तो ये इस्लामिक थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या है? लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहता है कि नॉलेज तो सिर्फ साइंस हमें देता है, और साइंस हमें क्या बतलाता है? बाहर की दुनिया, एक्सटर्नल रियलिटी। मगर अपने मन में खोज कर पाजा सिराग जिंदगी, ये इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी है कि हमारी प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है हमारा लाइफ एक्सपीरियंस जो कि हमारे अंदर है और नॉन साइंटिफिक है, क्योंकि मेरा लाइफ एक्सपीरियंस यूनिक है, कोई रेप्लिकेट नहीं। साइंस की जो बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक है वो रेप्लिकेट हो सकता है, एक ने तजुर्बा किया दूसरे आदमी वही तजुर्बा किया वही रिजल्ट पहुंचेगा, मगर नहीं, मेरा शख्सी और ज़ाती तजुर्बा है वो अलग है। तो जब हम ये मेयार इख्तियार करते हैं कि इल्म जो है वो लाइफ एक्सपीरियंस का नाम है, और ये एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल भी होता है, इंटेलेक्चुअल भी होता है, और हमारी ज़िंदगी में हर किस्म के इमोशनल भी होता है, और इस्लामिक साइकोलॉजी वन ऑफ द फील्ड्स है जिसमें काफ़ी तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कल्ब है, नफ्स है, रूह है, और ये सब यानी फ्रॉयडियन से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ भी है और बहुत ज़्यादा गहरा और पायदार भी है। तो इल्म अगर हमें स्टूडेंट्स को देना है तो हमें उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस में इजाफा करना होगा। अब आप सोचें, अगर हम लोग कैलकुलस पढ़ाते हैं तो ज़िंदगी के तजुर्बे में उसके कोई फ़र्क पड़ता है क्या? हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, कोई भी इसका ज़िंदगी के तजुर्बे से कोई ताल्लुक ही नहीं। तो ऐसा तालीम हम दें जिससे उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, मैच्योरिटी में इजाफा हो, उसको समझ में आए कि मैं किस लिए जी रही हूँ, मुझे क्या करना है अपनी ज़िंदगी में। ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं गाइड करते। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा एक मज़मून है जो मैंने अपने फेलो MIT स्टूडेंट्स को दिया था, लाइफ लेसन्स विच MIT डिड नॉट टीच मी। मैं MIT में पहुंचा तो 16 साल का था, और सारे यानी नौजवानों की तरह से मेरी भी इस तलाश थी कि मुझे ये ज़िंदगी अपनी कैसे गुजारनी है, जिसको हम कहते हैं मीनिंग ऑफ लाइफ, तो इसकी तलाश में था। तो इसके बारे में उन्होंने हमें कैलकुलस पढ़ा दिया, फिज़िक्स पढ़ा दी, हिस्ट्री पढ़ा दी, मगर किसी से कुछ गाइडेंस नहीं मिला। तो इसकी वजह से हमने ख़ुद से अपना अपना लाइफ फ़लसफ़ा वज़ा किया और ख़ुद से उसकी, मगर वो बहुत नाकस और ग़लत फ़लसफ़ा था जो हमने ख़ुद से वज़ा किया, क्योंकि बग़ैर गाइडेंस के अगर कोई आदमी काम करेगा तो ऐसा ही होगा, नतीजा निकला। हमने एक दूसरे को देख के, जो सब बच्चे थे जिसमें से किसी को कोई ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं था, और हमारे प्रोफेसर ने कभी अपना ज़िंदगी के तजुर्बे के बारे में हमें नहीं बतलाया, और हम लोग भी यहाँ उनकी नक्काली में अपने स्टूडेंट्स को गाइड नहीं करते हैं, हालाँकि हम लोग कर सकते हैं,
हमारे पास चूंकि हमारे पास दीन है, तो इसलिए हमारे पास एक बहुत स्ट्रांग बुनियाद है गाइडेंस देने की, मगर हमने इसमें कभी कोई मश नहीं की और कभी, और इसको अच्छा नहीं समझा जाता है नॉर्मली। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सब टीचर्स कुछ ना कुछ किसी न किसी लेवल पे करते हैं, मगर ये कोई यानी ये इंटरफियर करता है आपका अपने सिलेबस करिकुलम से कवर नहीं होता। तो इस्लाम हमें एक इल्म देता है कि, और वो क्या इल्म है, वो न फिज़िक्स है उसमें, न केमिस्ट्री है, न बायोलॉजी है, न कैलकुलस है, बल्कि वो ये बतलाता है कि हम लोग इंसान हैं और इंसान कैसे बन सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा है कि लक़द खलकनल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम थुम्म रददनाहु असफल साफिलीन। इसका क्या मतलब है, इसके एक्चुअली काफ़ी सारी मुख्तलिफ तफासीर हैं, मगर जो मुझे पसंद है वो ये है कि ये इंसान के पोटेंशियल की बात कर रहा है कि इंसान के अंदर ये इस्तेदाद है, ये सलाहियत है कि वो फरिश्तों से आगे बढ़ जाए, और ये भी सलाहियत है कि वो दरिंदों से नीचे गिर जाए। तो अब तालीम उसको कहते हैं जो इंसान को इंसान बनना सिखला दे, इसको नहीं कहते हैं कि जो हम लोग इस वक्त दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। और अल्लाह ताला ने ये बहुत अहम बात है टीचर्स के लिए समझने के लिए, मेरे लिए भी, कि हर स्टूडेंट इंतहाई कीमती है, और अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी की कीमत हमें कुरान में बतलाई है कि एक ज़िंदगी को बचा लो तो ये ऐसा है कि सारी इंसानियत को बता लिया। तो ये हमारे सामने जो स्टूडेंट्स आके बैठे हुए होते हैं, इनकी हमारे ऊपर बहुत ज़बरदस्त जिम्मेदारी है, क्योंकि हम उनको बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, ख़ास तौर पर ये टीचर्स जो है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स बिल्कुल यानी लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, खुले हुए दिमाग से बैठते हैं, आपकी बात सुनने को तैयार हैं, आप उनको जो बतला दें वो उस रुख पे चलेंगे, आप उनको गलत बात सीखना है वो क्यों, और ये कोई नहीं होता, यानी मैं तबलीग में भी बहुत वक्त गुजारा है, तो दरवाजे खटखटाए हैं, लोगों से बात की, कोई सुनने को तैयार नहीं, तो बड़ी मुश्किल से हमें मिलता है जो थोड़ी सी हमारी बातें सुन ले, मगर स्टूडेंट्स दे आर सिटिंग देयर विद ओपन माइंड्स, आप जो बतलाएं वो सुनने को तैयार हैं, जो आप उनसे कहेंगे वो करके दिखला देंगे। तो हम लोग उनको अगर गलत सलत बात सिखलाएंगे तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। तो इस्लाम हमें एक फ़र्क सिखलाता है जो मगरबी उसमें नहीं है, मगरबी एपिस्टेमोलॉजी में शामिल नहीं है। यूज़फुल नॉलेज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी कि अल्लाह मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म नाफ़े, वो इल्म जो नफ़ा दे, और अल्लाह ताला से पनाह मांगी यूज़लेस नॉलेज से, इल्मुल्ला यन्फ़े और क़ल्बुल्ला यख़्शा, ऐसे दिल से पनाह मांगी जो जिसमें खुशबुना। तो अब हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जो हम पढ़ाते हैं वो यूज़फुल है कि नहीं है, क्योंकि अहले मगरब तो इसके बारे में सोचते नहीं, बल्कि उनका एक तयशुदा इसके बारे में मौक़िफ़ है, कोई उनसे इसकी बात करे तो वो कह देंगे नहीं, सारे इल्म एक जैसे हैं, जिस जो चीज़ आपको इस वक्त यूज़लेस लग रही है वो बाद में यूज़फुल बन जाएगी, कोई कुछ कह नहीं सकता, इसलिए इस वक्त में वो यानी बाकायदा इससे उनको इनकार है। अगर हम लोग मुसलमानों होने के एतबार से इससे इनकार नहीं कर सकते, हमें समझना होगा कि ये क्या है और इसका क्या मतलब है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने भी बहुत ज़िंदगी गुजारी, बल्कि सारी ज़िंदगी मैंने इल्म में शोबे में गुजारी है, पहले स्टूडेंट फिर टीचर के तौर पे, कि हम लोग बेशुमार यूज़लेस नॉलेज पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, उनके जहनों को ख़राब करते हैं, और ये बात मना है इस्लामी तालीमात के हिसाब से, और इसके और ये इसी नतीजा है जो मैं पहले बतलाया आप लोगों को कि ये एपिस्टेमोलॉजी, ये थ्योरी ऑफ नॉलेज मगरब में 20th सेंचुरी में पूरी बदल दी गई, चुनांचे मगरब में भी इसका वही असर हुआ जो हम यहाँ देख रहे हैं, कि वहाँ उन्होंने कैरेक्टर बिल्डिंग एज गोल ऑफ एजुकेशन को तर्क कर दिया, क्योंकि कैरेक्टर का मतलब ही ख़त्म हो गया, यानी ये लफ्ज़ कि कैरेक्टर क्या चीज़ है ये भी नॉलेज के रेल्म से खारिज कर दिया, क्योंकि कैरेक्टर जो है वो साइंस नहीं है। तो ये जहरीली थ्योरी ऑफ नॉलेज
ने मौजूदा एजुकेशन को वजह किया है और हम लोग उनकी नक्काली में इसको कर रहे हैं और चुनांचे हम लोग भी अपने स्टूडेंट्स के माइंड्स को पॉइजन कर देते हैं यूजलेस नॉलेज के साथ। तो हम लोग इस तो मैंने शुरू किया था कि क्या हम लोग बहुत जल्दी से बहुत अच्छी तब्दीलियां ला सकते हैं। तो हाँ, एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है, हम लोग सिर्फ यूजफुल नॉलेज पढ़ाएं, मगर ये इतना आसान नहीं है जितना इसको करना इतना आसान नहीं है जितना कहना आसान है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नॉलेज इज़ लाइफ एक्सपीरियंस। तो हम अपने स्टूडेंट्स को ज़िंदगी के तजुर्बा जो हमारे पास है, जो हम इसके बारे में अगर फिक्र करें तो हम इसको और हासिल कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मगर हम स्टूडेंट्स को कैसे लाइफ एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं ताकि उनके इल्म में इजाफा हो। इल्म जो एज डिफाइंड बाय इस्लाम, नॉट एज डिफाइंड बाय, इसमें जैसे कि मैंने बतलाया सोशल साइंसेस जो है वो तरीक़े ज़िंदगी सिखलाते हैं आपको। जब इकोनॉमिक्स है पढ़ा रहे हैं तो वो कहते हैं भाई ज़िंदगी का मकसद जो है वो लज़्ज़त का हुसूल है। अब ये हम लोग यानी एक्चुअली दिस इज़ डायरेक्ट सरीह कुफ्र है और ये अफसोस है कि सारी इस्लामी दुनिया में लोग पढ़ा रहे हैं और एक नहीं मल्टीपल आर्टिकल्स हैं इस मौजू पे, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन तो सबको नज़र आता है। मगर जो आर्टिकल्स जो पब्लिश्ड आर्टिकल इस्लामिक इकोनॉमिक जर्नल में, वो ये कहते हैं कि हाँ ये इस्लामी तालीमात के मुताबिक है, क्योंकि वो इसको स्क्वायर करना चाहते हैं कि इसको हमें पढ़ने की इजाज़त है, पढ़ने पढ़ाने की इजाज़त है। और वो कह रहे हैं वो एक आयत है कुरान में कि अल्लाह ताला ने ज़ुय्यन लिन्नास हुब्ब मिन शहवात, अल्लाह ताला ये आयत दलील में लेके आते हैं कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन जो है वो सही है इस्लामी तालीमात के मुताबिक है, वे बेवकूफ़ी की बात। तो अब इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग जाएँ, क्योंकि ये मेरा मौजू है, तो हमको इससे इनकार करना होगा कि ये स्टडी ऑफ स्केयरसिटी है। हम बुनियादी से हम इस पर अपना पोजीशन को डिफरेंशिएट कर लेंगे। इस पर मेरा एक लेक्चर है जो इसका मैंने यहाँ दिया हुआ है रेफरेंस। मगर बुनियादी बात बहुत आसान है। अगर हम लोग, अल्लाह ताला ने भी कुरान में इसकी वजाहत की है कि एक तरफ तो कहा है कि किसने मना किया है कि इंसान जो है वो अच्छे अच्छे लिबास पहने, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाए, किसी ने मना नहीं किया, अल्लाह ताला ने इसको मना नहीं किया। तो इंसान जो है वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करे, और बल्कि यानी हमारे फुकहा ने उलमा ने इसकी तफसील भी लिखी है कि इंसान को इजाज़त है, ना सिर्फ ये कि यानी आप अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करें और आप यानी बग़ैर छने हुए आटे की सबसे कमतर दर्जे पे अपना कंसम्पशन करें, नहीं, अल्लाह ताला ने हमें मना नहीं किया है। अच्छा खाना खाएं, अच्छा कपड़ा पहने, मगर कुल्लू वशरबु वला तुसरफु, वह तीन अल्फाज में पूरा का पूरा फ़लसफ़ा आ गया है। खाओ पियो मगर इसराफ नहीं करो, ज़ाया नहीं करो, फेंको नहीं खाने को, ऐसा ऐसी चीज़ नहीं करो जो कि गैर ज़रूरी हो। तो अगर हम कहें कि अच्छा, ये लोग एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते हैं कि इकोनॉमिक्स का मजमून जो है इसका मकसद है कि सारी के सारे इंसानियत की सारी नीड्स और वांट्स दोनों को फुलफिल किया जाए, तो इसकी तो हमें इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जहां नीड्स को फुलफिल करने की पूरी इजाज़त दी है वहाँ कहा है कि जो लोग अपनी हवा यानी अपनी आइडल डिज़ायर्स को पीछे करते हैं वो लोग तो जहन्नम में जाएंगे। बहुत क्लियर है। तो हम लोग नीड्स और वांट्स दोनों को फुलफिल करने की कोशिश में लगें या कहें कि ये मेरा इल्म का मकसद है कि नीड्स और वांट्स को फुलफिल करें, तो ये तो इस्लाम से टकराता है। हम नीड्स को फुलफिल करें और वांट्स से हम लोगों को रोकेंगे जैसे कि अल्लाह ताला ने रोका है। हम कहेंगे तुम अपनी ख्वाहिशात को कैसे पीछे लग रहे हो जबकि लोग भूखे मर रहे हैं। हम उनको मोरल सबक सिखलाएंगे, गम सिखलाएंगे दूसरों का। तो ये गांधी का कॉल है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। अगर हम नीड्स पे ले आए तो स्केयरसिटी ख़त्म हो जाएगी। स्केयरसिटी इसलिए पैदा होती है कि हम ख्वाहिशात के पीछे पड़ते हैं। और कुरान और हदीस में आया है कि इंसान के ख्वाहिशात ऐसी हैं कि तुम उसको एक पहाड़ दे दो सोने का तो वो दूसरा मांगेगा।
तो ख्वाहिशात तो कभी पूरी की ही नहीं जा सकती। तो ऑब्वियसली अगर हम ख्वाहिशात को पूरे करने पे पीछे पड़े तो ना हम कभी कर सकेंगे, ना वो कम होंगी बल्कि वो ज़्यादा होती रहेंगी। तो ये इट्स चेसिंग एन इल्यूजन। और ये जो हैप्पीनेस स्टडीज़ हैं, ईस्टर्न पैराडॉक्स वगैरह है, इन्होंने यही दिखलाया कि अहले मगरिब ने इस के पीछे यानी सदी एक सदी गुजार दी। वो कहता है कि हमारे स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग जो एवरेज हैं वो पुराने ज़माने में शहजादों और बादशाहों के होते थे, मगर खुशियों में कोई इजाफा नहीं हुआ, हैप्पीनेस वेलफेयर में कोई इजाफा नहीं हुआ। तो ये बेकार काम है, क्यों हम लोग इसके पीछे पड़े हुए। तो अगर हम कहें कि अच्छा हमें इकोनॉमिक्स को नई बुनियादों पे खड़ा करना है, तो कुरान हमें बतलाता है कि वला युद्दु अला तआमिल मिस्कीन, हम यहाँ से क्यों नहीं शुरू करें कि हमारी इकोनॉमिक्स का मकसद होगा कि हम लोगों को खाना खिलाएं। और खाना खिलाना एक यानी वो है इस्तआरा है, इसको हम कहेंगे कि यानी सारी बुनियादी ज़रूरियात को। ये मैंने एक आर्टिकल लिखा है, हंगर एज द प्राइमरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और देखा है ये इसमें ये सिर्फ ये एक्सप्लोर किया है कि अगर हम कहें कि इकोनॉमिक का मौजू स्केयरसिटी नहीं है बल्कि यह है कि हमारे माशरे में कोई भी भूखा न सोए, तो इससे पूरे का पूरा मजमून बदल जाएगा आपका पूरा सब्जेक्ट में। आप क्या पढ़ाएंगे, आप वो मार्जिनल यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व्स वगैरह को गारबेज में फेंक देंगे और कुछ करेंगे। और चुनांचे मैंने इसका तजुर्बा भी किया अपनी, मैं क्लासेस इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, तो मैंने स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स दी कि ऐसा करो, सारी दुनिया बदलना मुश्किल है, हम अपने महल्ले में किसी एक शख्स का भला कर दो। भला करने से मुराद ये नहीं उसको एक वक्त का खाना खिला दो, बल्कि उसकी ज़िंदगी बदल दो। कोई तुम्हारे घर में मासी आती है उसको पढ़ना सिखला दो, या उसका बच्चा आता है उसको स्कूल के थ्रू पार करवा दो, यानी मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ पीपल। तो लोगों ने करके दिखाया और बहुत उन्होंने बहुत कुछ किया। और हमने वहाँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बाजू में कच्ची आबादी थी, तो मैंने स्टूडेंट्स की टीम्स बनाई कि जाओ वहाँ पता करो कि वो लोग कैसे रहते हैं और क्या तुम कर सकती हो उनके लिए जो उनके यानी एक पॉजिटिव चेंज लाए। ये अब आपकी स्टडी ऑफ पॉवर्टी होगी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। वो गए और एक्चुअली मुझे ख़ुद भी इससे फ़ायदा है, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं जब हम लोग इसमें नहीं जाते हैं कि इनको सबसे पहले ज़रूरत खाने की होगी, खाने पीने की होगी। तो पता चला कि नहीं, खाने पीने के मामले में वो कर लेते हैं गुजारा, और ना भी हो तो भी उसके उनकी इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं। चुनांचे हमारे स्टूडेंट्स ने एक वहाँ मस्जिद उन्होंने कच्ची बनाई हुई थी उसको स्कूल बना दिया, और स्कूल बना के उसका हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत आसान है, अपने ही स्टूडेंट्स में से टीचर्स मुकर्रर कर दिए गए बच्चों को आप उर्दू पढ़ा दें, मैथ पढ़ा दें, केमिस्ट्री पढ़ा दें, बहुत खुश हुए। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि वहीं पे हमारी यूनिवर्सिटी के करीब शिफा हॉस्पिटल था, उसका एक शिफा फलाही क्लिनिक थी, जहाँ बेसिकली वो काफ़ी सस्ता मुफ्त दिखलाते थे। इन लोगों को पता नहीं था, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उन्होंने वैन स्टूडेंट से यूनिवर्सिटी से हायर की, लोगों को उठा के ले गए और वहाँ उनसे फ्री ट्रीटमेंट करवा दिया। तो इस तरह से प्रोजेक्ट्स हुई। तो यानी ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जाओ पता करो क्या हो रहा है। ये क्योंकि किताब में बैठ के आप इक्वेशन लिख रहे हैं, इससे आपको इकोनॉमिक्स आ जाएगी, बेवकूफ़ी की बात। तो असल जो मसला है वो हाउ टू बिल्ड कैरेक्टर है। ये हमारी यानी दीन का असल मौजू यही है कि कैसे इंसान साजी की जाए। तो इसमें जो फेमिलियर मॉडल है वो हमारा पीर मुरीद मॉडल है, कि टीचर जो है वो लीडर बने और वो स्टूडेंट्स उसके मुरीद बने और वो जो कहे वो माने। तो ये मॉडल बहुत मुश्किल मॉडल है, यानी इसके लिए हमारे पास टीचर्स नहीं है, और टीचर्स ख़ुद भी यही कहते हैं कि हम कैसे मॉडल करें इसको जबकि हमें ख़ुद वो चीज़ें नहीं आती। तो मसलन जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं पीर मुरीद मॉडल इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी इकोनॉमिक्स वाकई सीखी हुई है, मगर मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि और टीचर्स इसको इख्तियार करें, बल्कि क्योंकि ज़्यादातर ने इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है। तो इसके अलावा जो दूसरा मॉडल मैंने सीखा वो तबलीग में सीखा, और ये बहुत कीमती मॉडल है।
मगर इसके लिए हमें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, वो फेलो ट्रैवलर मॉडल। कि हम सब अनपढ़ हैं, हम सब जाहिल हैं, किसी को कुछ नहीं आता, हम सब मिल के सीखते हैं। हमारे लिए फिर मॉडल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार और उनके सहाबा के किरदार और बहुत सारे लोग हैं, तो ये हमारे लिए मॉडल, तुम्हारे लिए मॉडल है, मेरे लिए मॉडल, मैं भी कोशिश करता हूँ कि उनकी तरह कहूँ, तो इसमें कोई मसला नहीं है। सो इसमें फिर हम कर सकते हैं, यानी हम स्टूडेंट से कहें कि भाई तुम ये बतलाओ कि तुम किसको एडमायर, मैं हम लोग अपने बतलाएं कि हम फलाना शख्स, यानी लाइफ एक्सपीरियंस, रिमेंबर कि नॉलेज इज़ लाइफ एक्सपीरियंस, मैंने किस शख्स को देखा जिससे मैं मुतासर हुआ। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें ओवरऑल कैरेक्टर जज नहीं करना है, क्योंकि हमें कोई भी, हम लोग यानी अक्सर ये हमें वो देते, ताना लोग देते थे जब हम पहुँचते थे दरवाजे पे तबलीग में कि अच्छा तो क्या तुम अबू बकर सिद्दीक हो जो हमें बतलाने आए हो। तो बात यह है कि अगर कोई शख्स इस वक्त इसके इंतज़ार में रहेगा कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ना उसको आके कुछ बतलाएं, तो वो तो फिर इंतज़ार ही में रहेगा। तो कोई भी परफेक्ट नहीं होगा, ना हम होंगे ना हमारे स्टूडेंट्स होंगे, और इसलिए हम ये कहें कि हम किसका मिसाल दें, हमारे पास कोई अबू बकर ही नहीं है, तो ये वर्क नहीं करता। वैसे ही से फिर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई मिसाल ही नहीं है, सभी ख़राब हैं, हमारा सारा मुआशरा ही गला सड़ा है, जैसे कि वो कहता है हसन निसार, तो ये बात नहीं है। तो इसका हल ये है कि हम एक्ट्स पे फोकस करें, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि किसी एक ने, आदमी बहुत बुरा हो, अगर उसने एक नेक अमल किया हो, उसको आप देखें, उसको पहचानें, उसको रिकग्नाइज करें, उसको रिवॉर्ड करें, और उसको बतलाएं कि इस शख्स ने फलाने मौके पर एक गरीब आदमी को पानी पिला दिया था, बस उसने बाकी सारी ज़िंदगी लोगों को कोड़े मार के भगाया हो, हम उसके तज़किरा नहीं करेंगे, क्योंकि बुराई के तज़किरे से बुराई फैलती है और नेकी के तज़किरे से अच्छाई की तरह से अच्छाई फैलती है। स्टूडेंट से पूछें कि आपने कोई किसी को कोई अच्छा अमल करते देखा है जिसकी आपकी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी इस तरह करूँ, अपनी ज़िंदगी में कोई अपना अमल बतलाएँ, क्योंकि इसमें लोग शर्माते हैं मगर कभी कभी इससे फ़ायदा होता है, रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ है। अगर अमल की पोटला बिल्कुल ही खाली है तो इसकी फिक्र करनी चाहिए। तो इस मगर ये जो फेलो ट्रैवलर मॉडल है, इससे हमारे टीचर्स बहुत घबराते हैं, और इसकी वजह है, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया है और इसके जो नुकसान हैं, मगर इन नुकसान को हमें ओवरकम करना होगा, क्योंकि जब हम स्टूडेंट से थोड़ी सी दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा उनसे यानी हम उनके मसाइल पूछते हैं और अपना लाइफ एक्सपीरियंस बतलाते हैं, तो एक यानी फेमिलियरिटी पैदा हो ही जाती है। ये भी होता है तो हमारा माशरे में बड़ा ये वक्त आके कहते हैं अच्छा मैं फेल हो रहा हूँ, मुझे अच्छा ग्रेड दे दें, वो आपसे वो इस पे एक नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो इसको हमें मना कर देना है। यानी इसका यानी हम लोग ये कहते हैं कि नहीं, उनसे दोस्ती करो ही नहीं, अपने एक्सपीरियंस शेयर ही नहीं करो, तो फिर ये नहीं हो सकता, कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो इसके बगैर नहीं हो सकती। तो अब इसका जो है वो दूसरा हल यही है कि आप दोस्ती करें, मगर टीचर के तौर पे आप बिल्कुल मुनसिफ हो, नहीं हम मैं तुम्हें अच्छा ग्रेड नहीं दे सकता, मैं सारे स्टूडेंट्स के साथ मुझे इंसाफ करना है, अगर मैं तुम्हें दूंगा, और मैंने यानी ये बहस बेशुमार स्टूडेंट्स से की है, यानी स्टूडेंट्स आके मुझसे ग्रेड्स मांगते थे और हर तरह से कि मैं तो खुदकुशी कर लूँगा अगर आप मुझे ग्रेड नहीं दें, वाकई हो चुका है, मैं भी डर गया यानी क्या करूँ, मगर मैंने कहा कि सारी ये तुम्हारा अमल होगा, मैं तो ये नहीं चाहता हूँ, मगर मैं तुम्हारे साथ यानी तुम्हारे ग्रेड को बदल कर मैं बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता, अगर मैं तुम्हें ये दूंगा तो फिर मेरे सारे स्टूडेंट्स को ये देना होगा, मतलब उसे बदतरीन स्टूडेंट्स हो क्लास में, तो मैं सबको या तो मैं सबको ये दे दूँ, तो उस अगर मैं ये करूँगा तो हमारी यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी, तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मैं मजबूर हूँ, तो इस तरह से यानी मगर ये यानी हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे हम स्टूडेंट्स अगर आए और यहाँ हम इससे घबराते हैं और जैसे सही घबराते हैं। मैंने तो एक बार वो एक लड़की आ गई मैं क्या मुझसे, उसने रोना धोना शुरू किया, तो ऐसे तो मेरा बहुत नरम दिल है, मेरी बेटी ने कहा कि आपने उसको खामखा के डरा दिया, मैंने अपना वेस्ट बास्केट उठाया, मैंने कहा कि देखो
इसमें जो है वो एक दरिया लड़कियों ने आके आंसुओं का बहाया है, तो मेरे उस पर कोई असर नहीं होता, हालांकि होता है, मगर मैंने उसको दे दिया कि इसमें इसमें रो लो और फिर अपना काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारा ग्रेड नहीं बदल रहा। तो मगर ये नहीं, ये सब चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये फेलो ट्रैवलर मॉडल जो है वो इसमें ये सब होगा, इसकी है ये प्रॉब्लम, मगर इसके बगैर